खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मस्ती से आप देख रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री लाइव। और देखिए आज दिन भर की जो सबसे बड़ी खबर रही वो रही कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर राम मंदिर की सुनवाई के लिए 3 मध्यस्थ नियुक्त किए हैं। इस खबर को भी विस्तार से आपको दिखाएंगे, लेकिन आज की जो सबसे अहम खबर कही जा सकती है वो ये कि कल जम्मू में जो ब्लास्ट हुआ था यात्री बस पर, उसमें बिरयानी बम का इस्तेमाल किया गया था। हमारे संवाददाता अजय बाचलू की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और समझिए क्या है बिरयानी बम। पुलिस की कस्टडी में खड़े इस लड़के और जम्मू बस स्टैंड में हुए धमाके का क्या संबंध है? आरोपी के पास टिफिन क्यों रखा गया है? इस टिफिन का उस धमाके से वास्ता क्या है? जवाब बेहद सनसनीखेज है। इस टिफिन में बिरयानी थी, बिरयानी के नीचे रखा गया था बम, और बिरयानी बम से ही किया गया जम्मू बस स्टैंड पर धमाका। जम्मू बस स्टैंड पर धमाका करने वाले हिजबुल के आतंकी के पास टिफिन मिला और इसने सारे राज खोल दिए। आतंकी ने टिफिन में ग्रेनेड रखा था और उस पर बिरयानी रख दी ताकि वो पकड़ा ना जाए। बिरयानी बम से कैसे धमाका किया गया, ये एक्सक्लूसिव जानकारी संवाददाता अजय बाचलू दे रहे हैं। इस हमले को अंजाम देने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन के सामने सबसे बड़ी परेशानी इस बात की थी आखिर श्रीनगर से जम्मू तक ग्रेनेड के साथ ये सफर तय कैसे करता, कि हिजबुल मुजाहिदीन के कहने पर उसने एक टिफिन बॉक्स खरीदा, इसी टिफिन बॉक्स में उस ग्रेनेड को रखा और ग्रेनेड को किसी तलाशी से बचाने के लिए इस टिफिन बॉक्स में बिरयानी रखी गई और इसी बिरयानी के बीच में वो ग्रेनेड रखा गया। जी हाँ, बिरयानी के नीचे हिजबुल के आतंकी ने ग्रेनेड रखा था। टिफिन में बिरयानी होने से किसी को शक नहीं हुआ और पुलिस की नजरों से बचता हुआ आतंकी ग्रेनेड लेकर श्रीनगर से जम्मू पहुंच गया। मौका देखते ही उसने बिरयानी से ग्रेनेड निकाला और बस स्टैंड पर फेंक दिया। धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 31 लोग घायल हुए। हिजबुल ने इस बार धमाके को अंजाम देने के लिए नया तरीका अपनाया, बिरयानी के नीचे बम रखा जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। आतंकी ने अपने बयान में कई और अहम खुलासे किए। आतंकी नाबालिग है इसलिए हम उसका नाम नहीं बता रहे, लेकिन धमाका करने के लिए उसे कितना पैसा दिया गया अब जरा ये भी जान लीजिए। पुलिस को दिए अपने इकबालिया बयान में माना है कि उसे जम्मू के किसी भीड़भाड़ वाले इलाके या धार्मिक स्थान पर ग्रेनेड हमला करने के लिए हिजबुल के जिला कमांडर फारूक अहमद भट्ट ने कहा था। इस काम को अंजाम देने के लिए फारूक अहमद भट्ट ने उसे करीब 10,000 रुपए भी दिए थे। नरवाल इलाके में गुरुवार सुबह वो एक मेटाडोर में सवार होकर जम्मू के बस स्टैंड में पहुंचा और जहां उसने इस ग्रेनेड हमले को अंजाम दिया। दरअसल हिजबुल को कश्मीर घाटी से बाहर हिंदू बाहुल इलाके जम्मू में धमाका करने के लिए किसी एक ऐसे आतंकी की तलाश थी जिसका कोई आतंकी ट्रैक रिकॉर्ड ना हो और श्रीनगर से आसानी से जम्मू पहुंच सके। पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में नाबालिग आतंकी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं सामने आया है। आतंकी ने यह भी कबूला है कि उसका परिवार आर्थिक रूप से इतना संपन्न नहीं है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं और इसी वजह से वो हिजबुल के संपर्क में आया और इस हमले को अंजाम दे गया। लेकिन दिलचस्प यह है कि कम पढ़े लिखे होने के बावजूद नाबालिग आतंकी ने दिमाग लगाया और बिरयानी में बम दबाकर श्रीनगर से जम्मू तक ले आया। पुलिस भी इस बात से सकते में है क्योंकि अब तक बिरयानी में बम दबाकर लाया गया हो और कहीं धमाका किया गया हो ऐसा हुआ नहीं था।